न्यू अपडेट में पाकिस्तान के सिर्फ 3 न्यू प्लेयर्स को ही ऐड किया गया था। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो अभी मल्टीप्लेयर मोड में अवेलेबल नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप 12 पाकिस्तानी अनअवेलेबल प्लेयर्स। नंबर 12 मूसा खान। ये पाकिस्तान के काफी अच्छे पेसर हैं। ये सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू कर चुके हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। इनको भी मल्टीप्लेयर मोड में ऐड करना चाहिए। नंबर 11 खुशदिल शाह। ये भी काफी अच्छे बैट्समैन हैं, परंतु मल्टीप्लेयर मोड में ये भी अवेलेबल नहीं है। नंबर 10 यूनिस खान। यूनिस खान पाकिस्तान के काफी लीजेंड क्रिकेटर रह चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा किया है, इनको भी लीजेंड कैटेगरी में ऐड होना चाहिए। नंबर 9 उस्मान कादिर। ये भी काफी अच्छे लेग स्पिन ऑलराउंडर है। इन्होंने अभी तक T20 में ही डेब्यू किया है, इसमें उनका परफॉर्म काफी अच्छा रहा है। अभी पाकिस्तानी T20 टीम का मेन पार्ट बन चुके हैं। नंबर 8 इफ्तिखार अहमद। ये भी काफी अच्छे प्लेयर हैं, लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। ये सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू कर चुके हैं, इनको भी ऐड होना चाहिए। नंबर 7 आबिद अली। आबिद अली भी पाकिस्तान के काफी अच्छे बैट्समैन हैं, ये मेनली टेस्ट खेलते हैं, परंतु इनको भी ऐड करना चाहिए। नंबर 6 शान मसूद। शान मसूद भी काफी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी मेनली टेस्ट का ही हिस्सा होते हैं, परंतु ऐड इनको भी करना चाहिए। नंबर 5 मिसबाह-उल हक। ये भी पाकिस्तान के काफी लीजेंड क्रिकेटर रह चुके हैं, परंतु इनको भी मल्टीप्लेयर मोड में ऐड नहीं किया गया है। इनको भी लीजेंड कैटेगरी में ऐड करना चाहिए। नंबर 4 मोहम्मद अब्बास। ये पाकिस्तान के काफी एक्सपीरियंस्ड पेसर हैं, मेनली टेस्ट ही खेलते हैं, परंतु काफी समय से एक्टिव हैं। इनको भी 4 ऐड करना ही चाहिए। नंबर 3 अजहर अली। अजहर अली भी काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, मेनली टेस्ट प्लेयर हैं, परंतु काफी बड़े प्लेयर हैं, इनको भी ऐड करना चाहिए। नंबर 2 नसीम शाह। नसीम शाह भी काफी अच्छे पेसर हैं, इनकी एज ओनली 17 है। इन्होंने अभी टेस्ट में ही डेब्यू किया है, परंतु उसमें कमाल किया है। नंबर 1 मोहम्मद हसनैन। ये काफी कमाल के पेसर हैं, इनकी गेंद हवा से बातें करती है, मेनली ये शॉर्ट फॉर्मेट में ही नजर आते हैं, मल्टीप्लेयर मोड में इनको भी ऐड करना चाहिए। तो ये थे वे टॉप 12 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनको मल्टीप्लेयर मोड में ऐड करना चाहिए और किस पाकिस्तानी प्लेयर को ऐड करना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।